बारिश तो हो रही है और चलते चलते हम एक जगह पे पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत सी जगह जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। इस ट्रैक में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा। कभी बारिश ने हमें रोका तो कभी हिम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं। यार बारिश जल्दी रुक जाए तो हम ऊपर अपने कैंप पे पहुंचे। पर हमने किसी भी पॉइंट पर गिव अप नहीं किया, बस अपने गोल को दिमाग में रखकर नज़ारों के मजे लेकर चलते गए। तो स्वागत है आपका इस मज़ेदार 4 दिन की ट्रैकिंग सीरीज में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक हमारी तरफ से। ईद हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से मनी और आज ईद का चौथा या पांचवा दिन है और हम जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए। एक खूबसूरत सी लेक है, छिरसर लेक और बटसर लेक, शायद नहीं डोंटसर लेक, तो वहाँ पर जा रहे हैं। मेरे साथ हैं वकास भाई और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। हम टोटल 8 लोग जा रहे हैं आज और ट्रैक चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम खुशगवार है हमेशा की तरह, जब भी हम ट्रैक पे निकलते हैं मौसम अच्छा होता है। और हमारे साथ कौन कौन है मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हैं हमारे पास मामून भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, दिस इज मामून खान फ्रॉम महाराष्ट्र। इट्स प्लेजर टू हैव विद मिस्टर उमर। हाँ जी, वेरी गुड ब्लॉगर। टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन। कैसा लगा आपको ये? बहुत मजा आया भाई। अगर फिर दोस्त से बरूए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। बिल्कुल। तो और भी लोग हैं जो आगे हैं, आगे उनसे भी मिलाते हैं आपको। तो अभी चलते हैं, अपना ट्रैक चल रहा है, सो लेट्स गो। इतना चढ़ने के बाद ये मिलता है बेटा, समझे? तो वहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा? तूने अपना बैग खाली किया? हाँ जी दोस्तों, तो ट्रैक करके हम लोग छोटी माल पे पहुँचे और यहाँ पे हमने बिस्किट खाया और यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। वकास ये रहा और बाकी लोग ये रहे। यहाँ पे नेटवर्क आते हैं तो ये देखो, इन भाई का इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, ये बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आरजे रोमियो, आरजे रोमियो। तो रोमियो 813। हाँ ठीक है, ये इनका इंस्टाग्राम है। बाकी वो रहे फैजान भाई, बाकी लोगों से भी आपको आगे मिलाएंगे। तो यहाँ से भी अभी हम लोग निकल रहे हैं। उस्ताद जी कैसा लग रहा है आपको? सर इट्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, सर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ओके रियली, सो शैल वी लीव नाउ? यस सर, शेरपा सर, लेट्स गो। तो दोस्तों बड़ी माल पे हमने अभी थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा पानी वानी पिया, बिस्किट खाया फिर से। और छिरंबल के साइड से हम लोग नहीं जा रहे, हम किसी और रास्ते से जा रहे हैं। आगे जाके मैं आपको बोलूँगा, शायद से हाकवास या फिर जजमरग, इसी साइड से जा रहे हैं, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो देखो, वो सारे वहाँ से जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मौसम अभी तक बहुत ही बढ़िया है, अभी थोड़ी सी ठंड लगी तो हम लोगों ने जैकेट वगैरह पैंट वगैरह पहन लिए। तो अभी चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको हमारा एडवेंचर कैसा जाएगा। सो लेट्स गो। ओह ये कुत्ता एरिया यार, कार मौज का दिल छू गया। सर लो ये दे, उसको ज्यादा दे यार, ज्यादा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यम्मी तो कर चले हम पे।
یم چھ مے یار ز یمن چھ بیچارین کیا بنو دکھ. ہم چل رہے تھے اور ہمیں مشروم ملا, اس کو رات کو ہم پکا کے کھانے والے ہیں انشاءاللہ. بیوٹیفل, یہ ہمیں اور مشروم مل گیا, لاٹری لگ گئی, لاٹری لگ گئی بھائی, جنگلی مشروم. یہ دیکھو اور بھی ہے, یہاں پہ ہاشم بھائی نکال رہے ہیں مشروم. واو برو, لاٹری لگ گئی ہماری. آئی لو یو ٹو. یہ دیکھو کتنا مشروم ملا ہمیں. آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا گائز, دیکھو یہ ہے مشروم, آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. آج ہم اس کو رات کو چٹنی بنائیں گے اور کھائیں گے. تو آج ہمارا مشروم ہنٹ بھی ہو گیا. یہ دیکھیں کتنے سارے, لگ بھگ 1 kg+ مشروم ہم نے جمع کیے, بہت زبردست. آج شام کو اس کی چٹنی بنا کے کھائیں گے ایک دم مزے سے. آج میرا دل خوش ہو گیا, جتنی بھی میں نے ٹریکنگ کیمپنگ کری ہر باری میں نے مشروم ڈھونڈا, ڈھونڈنے کی کوشش کی, کبھی بھی نہیں ملا. آج ہم خوش قسمت تھے کہ ہمیں مشروم مل گیا. میں ساتھ تھا. ہاں واہ یار. تو دوستو ابھی 4 بج رہے ہیں اور ہم لوگ کدلاول میں پہنچے. اس جگہ کا نام کدلاول ہے اور بھوک کافی زیادہ لگی ہے, دن میں کچھ کھایا نہیں ہے ویسے, بسکٹ پانی کھایا بس اور کچھ نہیں. یہاں پہ ابھی ہم لوگ رکے ہیں, یہ ہے تجمل بھائی آگ جلا رہے ہیں, پورا سامان بکھرا پڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہاں پہ گیس لگایا, ہم نے سوچا میگی اور چائے بنائیں گے اور تھوڑی سی انرجی ملے گی, اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے. تو ابھی کھانے کے لیے میگی بناتے ہیں, اس کے بعد نکلتے ہیں یہاں سے. یہی ختم کرنے والا جو بلاگ بنا رہا ہے, عید کے موقع پر شیر خورما بنا رہے ہیں, آپ ضرور آنا شیر خورما پینے. پینے یہ دیکھیے, اس میں سیویاں بھی ڈالی ہیں, کالی والی اس گائے کا ہم نے دودھ لیا ہے. میگی بھی کھا لیا, ابھی چائے بن رہی ہے آگ پہ تو اسی کا ویٹ چل رہا ہے. 5 بج رہے ہیں ابھی, ہمارا گائیڈ ہے اور موسم بڑھیا ہے, پورا دن موسم بڑھیا رہا, گرمی نہیں ہوئی. اور یہ دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو ہماری چائے بن ہی نہیں رہی ہے بھائی, پچھلے 3 گھنٹے سے ہم انتظار کر رہے ہیں چائے کا. خیر بادل بھی گرج رہے, بالو دیکھو بالو, چائے بن گیا, چائے بن گیا بھائی, چائے بنا دی. گڈ گڈ تھینک یو. تو میگی کھانے کے بعد ہم لوگ پھر سے نکل چکے ہیں, 5:30 بج رہے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگ گئی ہے. ابھی ہیں ہم گھنے سے جنگل میں, یہاں سے نیچے سے ہم لوگ آئے اور کچھ ایسا ہے یہ جنگل, ڈراؤنا سا ہے, خطرناک سا. ابھی اوپر کو جا رہے ہیں, چلو دوستو بارش ہو رہی ہے. بہت تیز بارش ہو رہی ہے, ہم جنگل کے بیچوں بیچ پھنس چکے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں بارش بہت تیز ہو رہی ہے. یار کون صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بس یار بارش جلدی رک جائے تو ہم اوپر اپنے کیمپ پہ پہنچے. بہت تیز بارش ہے, کیمرہ میں پتہ نہیں دکھ بھی رہا ہوگا یا نہیں, بٹ بارش بہت تیز ہو رہی ہے یار.
और असल में वक्कास को रास्ता पता है लेकिन वो सही से बता नहीं रहा, बस लेके जा रहा है। अभी हम होप यही करते हैं कि सही लेके जाए, बाकी तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। यस, अब मिलते हैं बारिश रुकने के बाद। तो ये जंगल देख सकते हैं आप, आधा कटा हुआ है आधा बसा हुआ है, ऐसा कुछ नज़ारा है। आगे हमें बर्फीले पहाड़ देखने शुरू हो चुके हैं, बारिश हो रही है लेकिन कंटिन्यू चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई। और ये तो पहला व्यू दिखा ना इन पहाड़ों का, भाई साहब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना। बस अभी सब अच्छा हो यही उम्मीद करते हैं। और चलो जी, ये फ्रेम देखो ना पहले, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहाड़ इतने प्यारे लग रहे हैं मैं क्या ही बोलूं। ये देखिए क्या नज़ारा है, वो है हाकवास, है हाकवास। अच्छा तो ये हाकवास है और यहाँ से ऊपर जाके वहाँ पे हमें कल छिरसर लेक पे जाना है। इतना बढ़िया फील हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू वक्कास भाई, पहले हम सबको लगा कि मिसगाइड कर रहा है हमें, गलत रास्ते पे उसे लेके जा रहा है, लेकिन फाइनली सही रास्ता था। थैंक यू सो मच, हमने इसको बहुत गलत समझा। खैर अभी फाइनली यही है कि बस देख लिया बर्फीला पहाड़ और छिरसर भी उसी साइड से। अभी पहले हम अपना कैंप साइट देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे कैंप लगाना है, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पूरा हमारे साथ हैं बाकी दोस्त लोग, बहुत ही मज़ा आएगा, अभी बहुत ट्रैक करना है। बारिश तो हो रही है और चलते चलते हम एक जगह पे पहुँचे, बहुत ही खूबसूरत सी जगह जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सीन कुछ ऐसा है, हम लोग एक जगह पे पहुँचे, नहायत ही खूबसूरत जगह यार। इस जगह का नाम या तो चिट्टी नदी है या तो फिर कदलाबल है, इन दोनों में से कुछ है, मैं बाद में आपको क्लियर करके बता दूंगा। और यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, हमें टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। असल में मसला क्या हुआ, यहाँ पे पीछे हमें कुछ दो भाई मिले थे तो उन्होंने बोला आपको टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठंड है क्यों खामखा में टेंट लगाओगे। ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे शेड टाइप का, ठीक है, क्वार्टर वगैरह, यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप लोग आज रात यहीं पे गुजारो मज़े से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये खुला है आपके लिए। तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन्होंने ज़िम्मेदारी ली, तो इसीलिए हमने सोचा भाई अच्छा ही है, मतलब क्वार्टर में रहना टेंट से बेहतर ही होगा फिर भी। और अभी के ये नज़ारे आप देखो यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब बारिश का मौसम बहुत ही मतलब खूबसूरत होता है, अगर बारिश के मौसम में आप ट्रैकिंग करते हो ना तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी अब ये देखो हरियाली है चारों ओर, और उस क्वार्टर में जाके देखेंगे क्या है, वहीं पर आज हमारी रात बीतेगी। ठीक है तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने अपना सामान भी रख दिया, पूरा सेटअप भी कर दिया है, 7:30 टाइम अभी आ रहा है और अब जाके मतलब पूरा एक घंटा लगा लगभग हमें अपना जगह ठीक करने के लिए। और अभी बारिश रुक गई है वैसे तो, और मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखाऊंगा, जो हमारा स्टे है आज का वो दिखाऊंगा। सबसे पहले मजेस्टिक व्यू देखिए, कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, पूरा खूबसूरत। और मुझे लग रहा था पहले इस वाले में रहेंगे तो ये अंदर से देखा थोड़ा सा साफ़ सुथरा नहीं था, तो ये वाला ठीक था और इसमें थोड़ी सी साफ़ सफाई करी भी हमने, तो अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा सेटअप है अंदर। ठीक है तो सबसे पहले ऐसे चलते हैं अंदर, यह है हमारा एंट्रेंस सबसे पहले, और यहाँ पे हमने जूते रख दिए हैं, कुछ रेनकोट्स वगैरह, और यहाँ से चप्पल निकाल दें हम क्योंकि हमने अंदर पूरा साफ़ रखा है। और यहाँ से अंदर घुसते ही पहले हमारा किचन, और किचन के बाद यहाँ पे सोने का एरिया, चार लोग अभी सो रहे हैं। और ये देखिए अभी ये सामान है, अभी यहाँ पे बैग्स वगैरह रख दिए। ये वक्कास है, इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, बार बार बोल रहा है कि मेरी तारीफ़ कर दो, तो मैंने सोचा इसकी भी तारीफ़ कर देते हैं। चूल्हा भी जल चुका है और हमारे पास खाने को क्या है वो दिखा देता हूँ। फ़िश है, इसमें फ्राइड चिकन है और टमाटर, प्याज, आलू वगैरह ये है, रोटी है खाने के लिए सुबह के लिए, मैगी है और सब कुछ एकदम फिट है, और वो दूध है चाय के लिए, तो सब कुछ मज़े से है, बढ़िया है। तो आज रात हम इस जगह पे गुजारने वाले हैं, तो यहीं पे आज हम अपनी रात गुजारने वाले हैं, कल सुबह हम छिरसर जाएंगे और फिर जो भी होगा वो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे ज़रूर। तो अभी खाना बनाने की तैयारी हम लोग करते हैं। तो उनके शेष गांडे निकलावन गांड ना टमाटर निकलावन बाकी क्या मानो बाकी थकी कर। ऐसा लगा आपको यहाँ पे आके और शायरी एक सुनाओ भाई। वो दुनिया में जहाँ कहीं बैठे हुए हैं
हमारे दरमियाँ बैठे हुए हैं और जहाँ हरियालियों में नूर देखा लगा के शीर सागर में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह तंजील तंजील अहमद देखो सोए हुए हैं। भाई आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, अल्लाह की कुदरत देखने को मिली हम यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, तो हमारी सब्जी पक चुकी है जो कि खाने के टाइम मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बाहर माहौल गर्म हो रहा है, माहौल जम चुका है, बाहर चलते हैं आपको बाहर वाला माहौल दिखाते हैं। तो यहाँ पे बाहर हमारा लकड़ी पे खाना बन रहा है, वकास फैजान भाई बना रहे हैं, यहाँ पे लकड़ी का काम हो रहा है, एकदम माहौल बना हुआ है, जबरदस्त जबरदस्त। बिस्मिल्लाह। तो अभी हम बता फ्यार रहे हैं, वकास बता, वकास इधर देखो ना यार, और ये हमारा खाना तैयार हुआ। आज फिश बनाई है हमने, जिसे कश्मीर में गाड़ कहते हैं, बहुत ही अच्छा। और ये देखो हमारे साथ कितने बंदे आए हैं आज, माशाल्लाह, उमर भाई और ये हमारे ताजमल भाई। तो खाना वाना हमारा हो गया है और अभी 11 बज रहे हैं, जी 11 बज रहे हैं, और बाहर आग जो जलाई है वहाँ पर हम लोग बैठे हैं और सभी ने ये सोचा है कि चाय पी जाए, क्योंकि अभी खाना खाया तो शाम को रात का टाइम है, तो चाय पियेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वकास भाई चाय बना रहे हैं, चीनी वगैरह सब कुछ मैंने डाला है, बाकी वो बैठे हैं अभी। आहरी लाया ख़त्म, वो वाला भी खराब हो गया होगा। ये देखो यहाँ पे आग जल रही है, और सबसे बेहतरीन चीज़ वो है मून, फुल मून है आज, इतनी प्यारी लग रही है ना, मेरे फ़ोन में ऑब्वियसली नहीं दिखेगी लेकिन इतनी प्यारी लग रही है, पूरा चांद है आज, ज़बरदस्त एकदम निखरा हुआ है यार, ये देखो। सो ये हमारी चाय बन के रेडी है, यहाँ पे जूते सूख रहे हैं और ये है आग, सभी चाय पी रहे हैं। देखो हम बोर्नवीटा पी रहे हैं पहाड़ पे है। तो दोस्तों अभी पूरे 12 बज रहे हैं और अब जाके हम लोग सोने जा रहे हैं, और बाहर से पूरा सामान अंदर ले लिया है, यहाँ पे किचन है, और यहाँ पे देखो 6 बंदे यहाँ पे सो रहे हैं, 2 यहाँ पे सो रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? गुड नाइट, गुड नाइट गाइस। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल अगले वीडियो में सुबह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे सुबह, और कल के वीडियो में हम लोग लेक पे भी जा रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।